दिस इज धीरज हियर एंड आई एम बैक विद माई बुलेट। सो एज आई प्रोमिस कि मैं इस बुलेट पे वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, और काफ़ी टाइम से मेरे को टाइम नहीं लग रहा था वीडियो बनाने के लिए। और तो आज हम इस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में, और बाइक की कंडीशन थोड़ी गंदी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफ रोड हो रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बाइक के बारे में। तो कहाँ से स्टार्ट करें, तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टायर, जो कि है रालको का 90-90-19। और जो कोई भी अपने लिए ऑन रोड या ऑफ रोड टायर देख रहा है, ड्यूल नेचर का टायर, जो कि दोनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थे। दिस इज़ द बेस्ट टायर गाइस, दिस इज़ बेटर देन सी आर, बेटर देन MRF, इज द बेस्ट टायर। एंड इसके बाद देख सकते हैं आप 19 इंच का ही रिम है, वही वाला जो स्टॉक रिम है, वही उसको पाउडर कोट किया गया है ब्लैक कलर में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि ये वाला सेंसर किस लिए है। एक्चुअली जो ये वाला सेंसर है, ये स्पीडोमीटर का सेंसर है। और यहाँ आप हब में देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेट फिट किए गए हैं। जब ये हब मूव करता है, जब रोटेट होता है, साथ में ये जो मैग्नेट है ये भी रोटेट करते हैं, जिससे कि सिग्नल जाता है हमारे स्पीडोमीटर के लिए, जो कि ये वाला स्पीडोमीटर है जो कि बैंगलोर की तरफ से था। और जो कन्वेंशनल जो स्पीडोमीटर रहता है उसकी वायर यहाँ से जाती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली है पूरा। तो इस मीटर को फिक्स करने के लिए काफ़ी जुगाड़ बिठाना पड़ा था। इसके लिए तो आपको एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन चाहिए, जिसको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो बाइक की वायरिंग का। सो इसमें हमें 1 से 2 दिन लग गया था इस मीटर को सेट करने में। और अंदर का हब भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, और ये जो डिस्क रोटर है ये भी ब्लैक में। और आ जाते हैं यहाँ पे शॉकर, जैसे कि मैंने बोला, माफ़ कीजिएगा, बाइक थोड़ी गंदी है, और शॉकर इसको भी हमने ब्लैक कलर में पेंट किया गया है, इसको पाउडर कोट नहीं किया, इसको पेंट किया हमने। अब बात करते हैं इसके मडगार्ड की। मडगार्ड इसका स्टॉक मडगार्ड है, जिसको हमने चॉप किया गया है, सलीके से इसको चॉप किया गया है। और इसमें जो कलर हुआ है बीच में है, ग्लॉसी फिनिश में कलर किया गया है, और आउटसाइड से इसको मैट फिनिश में कलर किया गया है, जिससे कि एक डिज़ाइन बन रहा है इसके ऊपर, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर। और अब आ जाते हैं ऊपर, ये जो रबड़ गेटियर्स हैं इसके, ये भी बहुत सही क्वालिटी के हैं। एक जो चीप वाले रबड़ गेटियर्स आते हैं, जो कि मैचिज़्मो में लगते हैं, वो वाले यूज़ मत करें, ये अच्छे वाले हैं, इनको यूज़ करें। थोड़े बड़े हैं साइज़ में, इस जो ये शॉकर है इसमें प्रॉपरली फिट तो नहीं होते, बट फिर भी दे आर वेरी नाइस। जो कि चीपर वन होते हैं, जो मैचिज़्मो में लगते हैं, वो 1 महीने के अंदर फट जाते हैं। नाइस। अब बात करते हैं हेडलाइट की जो केसिंग है, ये हमने किसी लोकल स्टोर से ली थी। और इसके अंदर जो बल्ब है वो है नाइट आई की तरफ से, जो कि बैंगुड की तरफ से ही था, जिसमें कि फ़ैन भी है पीछे। इसमें भी हमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ी अंदर इसकी वायरिंग में। और यहाँ पे आप ये ब्लैक कलर में देख सकते हो, ये इसका जो ये कॉलर है या इसका जो शॉकर ग्लास है, ये है थंडरबर्ड ओल्ड मॉडल का। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये ट्रिपल ट्री कौन सी है या अपर टी कौन सी है। ये है ओल्ड मॉडल थंडरबर्ड की, जो कि 2010 से पहले जो मॉडल आते थे उनमें ये वाली ट्रिपल ट्री यूज़ होती थी। सो ये वाली जो ट्रिपल ट्री है, ये इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड क्लासिक सभी में डायरेक्ट फिट हो जाएगी। बट इसमें एक चेंज ये होगा कि ये जो आपका जो फ्रंट एंड है वो थोड़ा दब जाएगा, लाइक जो आपके ये शॉकर्स हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे, और जो शॉकर का जो ट्रैवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि आपका खड्डों पे आपको ज़्यादा जर्क फील होगा। सो ये एक डिसएडवांटेज है इस सेटअप का। और अभी तक मैंने यहाँ पे हैंडल बार राइज़र इंस्टॉल नहीं किए हुए हैं, अभी हैंडल बार राइज़र मैं ढूंढ रहा हूँ अपने बुलेट के लिए, क्योंकि हैंडल बार राइज़र मस्ट है, क्योंकि जो फ्रंट एंड है वो काफ़ी नीचे बैठ गया है, तो वो थोड़ा सूट नहीं हो रहा है राइडिंग स्टाइल को। और अब बात करते हैं वायरिंग की। वायरिंग बिल्कुल इसकी ट्रिम की गई है, इसके इंडिकेटर वगैरह सब निकाल दिए गए हैं, और जो वायरिंग है वो पूरी टैंक के नीचे आ रही है सारी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। जो वायरिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा पेचीदा रहता है। और अभी स्पीडोमीटर को हमने अनप्लग करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे बुलेट की बैटरी लो है, सो ये वाला जो मीटर है ये काफ़ी बैटरी लेता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेटअप के बारे में। ये कस्टम प्लेट बनाई यहाँ पे मीटर को इंस्टॉल करने के लिए और ये की होल्डर के लिए। तो यहाँ पे आ जाती है इसकी फ्रंट ब्रेक, जो कि फुली एडजस्टेबल है यहाँ से,
और इसमें ये भी दी गई है कि अगर आपकी बाइक गिरेगी तो ये यहाँ से टूटेगा, ना कि पूरा लीवर टूटेगा। और ये जो इसका ब्रेक रिजर्व है ये काफ़ी कूल लगता है मेरे को। और ये जो इसका पंप भी है, ब्रेक पंप, ये भी इसका काफ़ी अच्छा है। और बेसिकली ये सेटअप CB750 का है और ये भी बैंगूड की तरफ से था, सो थैंक्स टू बैंगूड.com। एंड ऑन दिस साइड दिस इज़ बोल्ट चार्जर, जो कि एक लाइफ सेविंग चीज़ है। मेरे जितने भी लॉन्ग ट्रिप रहे हैं इसमें इसने काफ़ी हेल्प करी हुई है। लाइक इसकी जरूरत आपको लॉन्ग राइड्स में ही पड़ती है, तो ये आपको इतना, इसका ये जो लो प्रोफाइल है ये आपको इतना डिस्टर्ब भी नहीं करता है। और जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तब आप इसके जो अडाप्टर होता है उसको लगा लें, और ये आपका जो ये फ़ोन या डिवाइस जो भी आपने चार्ज करना है उसको बहुत अच्छी स्पीड पे चार्ज करता है। और अब आ जाते हैं इस पे हैंडल बार ग्रिप्स। ये जो हैंडल बार ग्रिप्स हैं ये है KTM के, क्योंकि जो रॉयल इनफील्ड के जो स्टॉक जो ग्रिप्स होते हैं वो एक या दो महीने के अंदर आपका इसके ग्रिप काफ़ी लूज़ हो जाता है, उस पर छोटे छोटे डॉट्स हैं जो एक या दो महीने के बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं, और वेट कंडीशन पे वो ज़रा भी ग्रिप आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो इसलिए उसको चेंज करना पड़ा, और ये काफ़ी अच्छा फीडबैक देते हैं। और इसको लाइक 2 साल हो गए आई थिंक, और अभी तक भी इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है, रेन पे भी और ड्राई कंडीशन में भी। और ये तो आप देख ही सकते हैं, रेवेड मर्चेंडाइज। ये रहा टैंक, ये जो स्टॉक टैंक है, और इसके ऊपर रेस ड्राइव। ये इतने अच्छे से नहीं बनी हुई है, जैसे मैंने सोचा था वैसी नहीं बनी, क्योंकि मंडी में इतने अच्छे से टेपिंग करते नहीं है लोग। और हाँ, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो टैंक बैंगूड की तरफ से आया था वो इंस्टॉल क्यों नहीं करा। उसकी फिटिंग गाइस यहाँ तक आ रही थी, वो इतना लंबा था, और उसके लिए हमें ये वाले चीज़ें रिमूव करनी पड़ रही थी, ये जो साइड पैनल है ये रिमूव करने पड़ रहे थे। और वो टैंक है वो स्लिम है, और स्लिम के साथ ये चीज़ें जो बाहर निकली है वो ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए हमें इन्हें भी रिमूव करना पड़ना था। तो बेसिकली काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास। और उस टैंक के लिए अभी आगे अपकमिंग प्लान है, अच्छे प्लान है। और ये आ गई हमारी कस्टम सीट, जो कि दो मटेरियल से बनी हुई है, यहाँ पे अलग मटेरियल है और यहाँ पे अलग मटेरियल है, क्योंकि काफ़ी अच्छी सीट बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी कि ये सीट कैसे बनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, पूरी बिल्ड सीरीज़ आप देख सकते हैं कि ये बाइक कैसे तैयार हुई। अब आ जाती है सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो मॉडिफिकेशन थी, सबसे बड़ा जो सिरदर्दी थी वो थी ये रियर सबफ्रेम। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था हमारे सामने, और ये बहुत बहुत पेचीदा प्रोसेस था। तो हमने ये गैप छुपाना था बेसिकली, तो ये गैप हमने बहुत अच्छे तरीके से छुपाया। और ये जो रियर सबफ्रेम है गाइस, ये प्लग एंड प्ले है। लाइक मैं कब किसी भी टाइम पे अगर मैं इनिशियल स्टेट में जाना चाहता हूँ मैं कभी भी जा सकता हूँ। लाइक ये जो सबफ्रेम है ये 4 बोल्ट पे टिकी हुई है, 4 बोल्ट को निकाल दो ये सबफ्रेम पूरी अनप्लग हो जाएगी। सो इसकी बहुत अच्छी बात है, डिज़ाइन की ब्यूटी यहाँ पे छिपी हुई है। ये जो आप देख सकते हैं हमारी सबफ्रेम यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। और सीट का ये जो कर्व है ये देखो कितनी खूबसूरती से आ रहा है, और यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है सबफ्रेम के ऊपर, और धीरे धीरे आपकी ये जो सबफ्रेम है कितने अच्छे तरीके से एक्सपोज हो रही है। तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और इस डिज़ाइन के पीछे काफ़ी माथा बची हुई है, बट इट्स वर्थ इट। एंड ये जो मडगार्ड है ये है बैंगूड की तरफ से, जो कि काफ़ी पतला था क्योंकि ये छोटी बाइक्स का था, बट हमारे पास अच्छे फैब्रिकेटर थे जिन्होंने इसको वाइड कर लिया और काफ़ी अच्छी शेप में बनाया। और ये तो नंबर प्लेट रही, और ये रही टेल लाइट, ये जो लोकल मार्केट से ली थी, इसको थोड़ा बहुत इसकी माउंटिंग में हमने चेंज किए। और क्या चेंज है, और हाँ आ जाते हैं पीछे वाले टायर पे। पीछे वाला टायर है 19 110, ये कि मेरा रालको का फोर्थ टायर है, और ये टायर इतना सही है गाइस, आप समझ सकते हो ना कि मेरा ये फोर्थ टायर, मैं फोर्थ टाइम इस टायर को यूज़ कर रहा हूँ। और रालको इज़ नॉट पेइंग मी फॉर सेइंग दिस, बट आई सीरियसली लव दिस टायर, एंड लुक्स ऑफ दिस टायर इज़ रियली ऑसम। एंड अब आ जाते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट रैप, गोल्डन एग्जॉस्ट रैप या मिल्ट्री कलर का एग्जॉस्ट रैप कह लो। और ये वाली चीज़ें, ये एग्जॉस्ट, कस्टम एग्जॉस्ट, तो ये हमने कस्टम जाली इसमें फिट करी थी। अगर आप देखना चाहते हो हमने एग्जॉस्ट कैसे बनाई या पूरी बाइक कैसे बनाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑफ रोड फुट बैग्स, हाँ यहाँ पे एक चैलेंज ये भी था कि अगर हमने अपने एग्जॉस्ट को अपसेफ्ट रखना है तो फुट बैग्स कहाँ लगाएंगे, तो उसको भी हमने फिगर आउट किया संभाव। सो ये थी कुछ बाइक्स के बारे में बातें। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, बाइक कितने में तैयार हुई हमारी? तो बाइक तैयार हुई हमारी 40,000 में, वो भी क्योंकि आधे से ज़्यादा काम मैंने खुद करा हुआ है बाइक पे, और कुछ चीज़ें तो इसमें स्पॉन्सर्ड थी।
और टायर्स के साथ मिला के कुल मिला के 40,000 के आसपास इसका आंकड़ा बैठ रहा है। एंड अभी रॉयल इनफील्ड ने बुलेट ट्रायल्स लॉन्च किया, जो कि पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगा। और उसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, आई नो कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट स्टिल क्या बवासीर बना दियो। उसका अच्छी चीज़ ये है कि उसमें बस वो ये है कि जैसे कि KTM के पावर पार्ट्स होते हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं एक KTM ड्यूक में, वैसी चीज़ है सेम। उसको एज ऑफ यू नो एक अलग वर्जन में लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं थी, आप उन एसेसरीज़ को नॉर्मल बाइक्स के लिए सिर्फ ऑफर कर सकते थे। उसकी अच्छी बात, उसके मडगार्ड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पर्सनली मेरे को क्लासिक का जो बहुत बल्कि सब मडगार्ड होता है वो मेरे को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। और उस बाइक में कुछ भी नहीं है, सेम इन्हीं बाइक्स की तरह है। और आगे जो फ्रंट ग्रिल रहती है वो ऐड कर दी है, जो मेरे पुराने वाले बुलेट में होती थी, देखी होगी आपने। और नीचे एक इंजन बैश प्लेट दी गई है, बेसिकली उसको थोड़ा ट्विक कर लिया है, थोड़ी बहुत एसेसरीज़ ऐड कर ली हैं और थोड़े कलर तड़क भड़क वाले कलर लगा दिए हैं, और एक नया मॉडल लेके आ गए हैं कि हाँ ये हमारे पास नया मॉडल है। सो दिस इज़ नॉट डन गाइस, मैं पर्सनली हैप्पी नहीं हूँ उस बुलेट से। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आपको अपग्रेड करना चाहिए अपने स्टैंडर्ड से, क्लासिक से या इलेक्ट्रा से, तो मैं कहूँगा गाइस आपको बुलेट ट्रायल्स में अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत पैसे खर्च के आप अपने बुलेट को वैसा सेम बना सकते हो। हाँ, अगर आप हिमालयन का सोच रहे हो तो हिमालयन के पक्ष में मैं हूँ, क्योंकि हिमालयन मेरे को बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। सो फ्रॉम माई साइड बिगेस्ट डाउन टू बुलेट ट्रायल्स, नो ऑफेंस एट ऑल। So that's all for today's video guys, hope you like the video and hope this video helps you somehow. Hit the like button and press that bell icon and subscribe to this channel. Peace.